नमस्कार। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मेरे पूरे जीवन काल में अभी तक जब से मैं ये सेवा कर रहा हूं, टोटल मिला के 46 के करीब आपके संतान प्राप्ति के लिए लोग आए, हाथ भेजे उन्होंने, हस्तरेखा देखता हूं मैं। उसमें से 38 का रिस्पॉन्स मेरे पास में है। मुझे पता है कि उनको सफलता मिली जो मैंने उपाय उनको बताए। कुछ रिस्पॉन्स मैं आपको शो करना चाहता हूं। संतान प्राप्ति का उपाय बताने जा रहा हूं, तो उससे पहले मुझ पर विश्वास होना जरूरी है। थोड़ा विश्वास करेंगे, भगवान पे विश्वास अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझ पर भी थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भगवान के आगे झुकने का उपाय बता रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति करने का उपाय बता रहा हूं आपको। कोई भी उपाय आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं कोई लूटपाट नहीं करता आपसे, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताता हूं ताकि आप कैसे अपने दुखों से पार पा जाए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था मेरी सगी मौसी की लड़की के भी पुत्र हुआ, जब बहुत सारे उपाय किए तब जाकर पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी खुद की कजिन सिस्टर हैं, ठीक है, जो ताऊ जी की लड़की हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, उनको भी लड़की प्राप्त हुई, यानी लड़की हुई, उनके घर भी माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस हैं जिनमें सफलता मिली है। करना क्या होता है? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के आगे झुकना है। भगवान की भक्ति में जब आप लगोगे तो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, पुराने जो कर्म आपके ऐसे हैं जिनसे नुकसान हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, या पितरों के कोई कर्म हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है, सफलता मिलती है, पाप नष्ट होते हैं भगवान के आगे झुकने। मैं आपको हमेशा भगवान के आगे झुकने के उपाय बताता हूं, भगवान की सेवा के उपाय बताता हूं। करना क्या है? पति को और पत्नी को, दोनों को उपाय करने हैं। मैं बता देता हूं, पति को भगवान शिव का मंदिर साफ करना है, सफाई करनी है, प्रतिदिन जल चढ़ाना है, शिव परिवार की सेवा करनी है। पत्नी को भगवान शिव पर पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत 5 चीजों को मिलाकर बनता है, आपका दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, बूरा हो गया, शहद हो गया, इन 5 चीजों को मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत चढ़ाएं, भगवान शिव के आगे झुकें, उनको रगड़ कर आना है, पंचामृत चढ़ाना है सब पर। पंचामृत चढ़ाने के बाद हाथ से सफाई करनी है, हाथ से मलना है, रगड़ना है, उसके बाद स्नान कराना है शुद्ध जल से। ये प्रतिदिन सेवा है, महिलाओं को तो करनी करनी है, पुरुषों को। पुरुषों को जो मंदिर है शिव जी का मंदिर जो है उसको अच्छे से साफ करके आना है। वो झाड़ू लगानी है, पोछा लगा सकते हैं तो पोछा लगाए, नहीं तो झाड़ू लगाए। देखिए, भगवान के आगे झुकना पड़ेगा, मंदिर में झाड़ू लगाने से आपकी इज्जत डाउन नहीं होगी, भगवान के आगे झुकना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा, नित्य कर्म करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने आपको ये करना ही पड़ेगा। ये एक जनरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जनरल उपाय है, बाकी तो मैं हाथ देखकर ही बता पाऊंगा कि क्या समस्या है पीछे की और क्या उपाय होंगे। लेकिन भगवान शिव की सेवा करनी है, शिव परिवार की सेवा करनी है, महिलाओं को पंचामृत चढ़ाना है और पति को, यानी कि जो पुरुष हैं, उनको पूरे मंदिर की सफाई करनी है, साथ में भगवान शिव पर, शिव परिवार पर जल चढ़ाना है। संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना ही पड़ेगा, भगवान शिव के आगे झुकना ही पड़ेगा। बाकी भगवान शिव भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करें, माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता।